मामला थाना नगरनार क्षेत्र के हैं, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी नाका पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध वाहन बलेनो को जो है रोक कर चेक किया गया, जिसमें इस मामले का संदेही अनिल सूर्यवंशी निवासी बिलासपुर सीपत जो है मिला, जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में जो है 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और उक्त गांजा को जो है उड़ीसा से जो है बिलासपुर सीपत की ओर तस्करी करना स्वीकार किया गया। मामले में आरोपी का उक्त कृत्य धारा 20B NDPS एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से जो है 100 किलोग्राम अवैध गांजा, एक बलेनो वाहन, 3 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है और इस मामले में जो जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी अनिल सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है और यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचना